कक्षा 3 विषय हिंदी। आज हम व्याकरण का पाठ 12 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अर्थ है कि हम जब भाषा को सरल और प्रभावशाली बनाने के लिए हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जब एक मतलब पंक्ति के अंदर वाक्य के अंदर अनेक शब्द होते हैं उनका हम एक शब्द बनाते हैं, इससे हमारी भाषा सरल और प्रभावशाली बन जाती है। जैसे आप अपनी पुस्तक में देखेंगे पहला चित्र बना हुआ है, रवि के पिताजी मिठाई बनाते हैं। अब जो मिठाई बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, एक शब्द में क्या कहेंगे, हलवाई। तो रवि के पिताजी हलवाई हैं। इससे वाक्य जो है वह संक्षिप्त भी हो जाता है और हमें समझने में कठिनाई नहीं होती है कि क्योंकि मिठाई बनाते हैं तो मिठाई बनाने वाला कौन कहलाता है, हलवाई। दीनानाथ मूर्तिकार बनाने वाला है। तो मूर्तिकार बनाने वाला है क्या अर्थ क्या हो जाएगा कि जो मूर्तियां बनाता है, तो दीनानाथ मूर्तिकार है। इतना बड़ा सेंटेंस था, वाक्य था, जिसको हमने संक्षिप्त में बदल दिया केवल एक मूर्तिकार शब्द को उसके अंदर अंकित करके। उस बालक के माता पिता नहीं हैं। अब जिनके माता पिता नहीं होते उसके लिए हम क्या शब्द प्रयोग करते हैं, अनाथ। तो वह बालक अनाथ है। अब हम किसी को यह बताएं कि माता पिता नहीं है, हम सीधा यह कह देंगे कि वह बालक अनाथ है। रामदास पढ़ा लिखा नहीं है। अब जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, अनपढ़। तो हम सीधा यही कहेंगे कि रामदास अनपढ़ है। हम किसी को बजाय यह कहें कि रामदास पढ़ा लिखा नहीं है तो हम उसको प्रभावशाली और संक्षिप्त वाक्य को बनाने के लिए हमने उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया, अनपढ़। अब हम कुछ और जानेंगे कि अनेक शब्दों के लिए क्या शब्द होते हैं। जो लालच करने वाला होता है, मतलब लालच करने वाले को हम क्या कहते हैं, लालची। लालच करने वाला क्या कहलाता है, लालची। हम कहते हैं ना क्लास में तू बड़ा लालच करता है, तो क्या लालच करता है, लालची। जो मांस खाता है वो क्या हो जाता है, मांसाहारी। अब जो खेतों में काम करता है, खेती में काम करने वाले को हम क्या कहते हैं, किसान कहते हैं ना। हम ये कहें कि रामदास खेती करता है तो हम उसके लिए खेती करता, रामदास के लिए हम एक प्रभावशाली शब्द क्या प्रयोग कर देंगे कि वह किसान है, रामदास किसान है। अब जो गहने बनाता है उसके लिए हम क्या कहेंगे, सुनार। एक शब्द का प्रयोग कर देंगे कि वह सुनार है। अब देखेंगे दूसरी साइड पर आएंगे, जिसके मन में दया हो, जो दया करता है उसको हम क्या कहते हैं, दयालु। जो फल सब्जी खाता है वो क्या होता है, शाकाहारी। मेरी माताजी सुबह शाम फल और सब्जी खाती हैं, तो वो क्या हैं, वो शाकाहारी हैं। उनका खाने का तरीका क्या है, उनके भोजन का तरीका क्या है, शाकाहारी। जो सबसे डरता है, जो डरने वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं, डरपोक। तो बड़ा डरपोक है ना, हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जो शहर में रहने वाला है उसे हम क्या कहते हैं, शहरी। आज हमारे घर में एक शहरी बाबू आए थे, जो शहर में, क्योंकि वो शहर में रहता था और आज हमारे घर आया, तो हम उसे क्या कहेंगे, शहरी बाबू। नेक्स्ट, अब हम चलिए इनके कुछ पहचान के लिए उनके कुछ शब्द लिखते हैं। डाक बांटने वाला, इसके चित्र से ही हम समझ जाएंगे हमारे घर में कौन डाक देने आता है, हमारे घर में पत्र चिट्ठी कौन देने आता है, डाकिया। हमने इसके लिए क्या शब्द किया प्रयोग किया, एक डाकिया। लोहे का काम करने वाला, लोहार। लोहार बर्तन बना रहा है तो हम क्या कहेंगे, या अगर हम उसको बड़ा करना चाहेंगे वाक्य को और लंबा करना चाहेंगे तो हम कहेंगे लोहे का काम करने वाला बर्तन बना रहा है, तो ये वाक्य थोड़ा अटपटा सा भी लगेगा, तो हम इसके लिए क्या प्रयोग कर देंगे, लुहार। कपड़े सिलने वाला, जो हमारे कपड़े सिलता है, दर्जी। आप कहते हैं ना मैं दर्जी की दुकान पे, मम्मी आपकी जाती हैं दर्जी की दुकान पे जाती है, थोड़ी कहती हैं कि कपड़े सिलने वाले के पास मैं जा रही हूँ। नेक्स्ट आ जाएंगे, सोने का काम करने वाला,
सुनार, जैसे लोहे का काम करने वाला लोहार होता है, तो सोने का काम करने वाले को हम सुनार कहते हैं। खेती करने वाला, जो खेतों में काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? किसान। एक शब्द का हमने प्रयोग किया। मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार, जो मूर्तियां बनाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? मूर्तिकार। और कपड़े धोने वाला धोबी, क्या करेंगे? धोबी। अच्छा, अब ये लिखेंगे, अनेक शब्दों के लिए उचित एक शब्द पर सही का निशान लगाइए। भारत का रहने वाला, हम उसे हिंदुस्तानी या नागरिक कहेंगे या भारतीय कहेंगे, जो भारत में रहने वाला है उसको हम भारतीय कहेंगे। जो मांस खाता हो, मांसाहारी, शाकाहारी या फलहारी? नहीं, जो मांस खाता है मांसाहारी। जिसके मन में दया हो, वो भगवान होता है, गुरु होता है या दयालु? जो दया करता है वो दयालु। सेना में काम करने वाला सुनार होता है, सलाहकार होता है कि सैनिक होता है? सैनिक, जो सेना में काम करते हैं, सैनिक। अब हम इसको सही अनेक शब्द को एक शब्द से मिलाएंगे। शिकार करने वाला शिकारी। जो सबसे डरता है, डरपोक। जो श्रम करता है, श्रम करता है का मतलब जो मेहनत करता है, श्रमिक। जो पढ़ा लिखा हो, जो पढ़ा लिखा न हो, और जो पढ़ा लिखा हो उसके लिए हम क्या शब्द प्रयोग करेंगे? शिक्षित। जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। अब आपको समझ में आ गया ना कि जो क्या होता है, ये जिन शब्दों को हमने, जिनके इनके साथ मिलान किया है, ये शब्द आगे पीछे लिखे थे, इनको हमने इनके साथ में मिलान किया है। पर एक बार हम फिर से इन शब्दों को दोबारा दोहरा लेते हैं कि भाषा को सरल और प्रभावशाली बनाने के लिए, अनेक शब्दों के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं। इससे भाषा बहुत सुंदर, सरल और सहज हो जाती है। और देखिए, जो जो लालच करता है, लालची। जो मांस खाता है, मांसाहारी। खेती करने वाला किसान। जो गहने बनाता है वो सुनार। जिसके मन में दया हो, दयालु। जो फल सब्जी खाता हो, शाकाहारी। जो सबसे डरता है, डरपोक। शहर में रहने वाला शहरी। गांव में रहने वाला ग्रामीण। जो श्रम करता है, श्रमिक। श्रम मतलब मेहनत करता है, श्रमिक कहलाता है। जो चित्र बनाता है, चित्रकार। अब देखेंगे, शिकार करने वाला, जो जंगलों में शिकार करते हैं, हम उसको क्या कहते हैं? शिकारी। जो सत्य बोलता हो, सत्यवादी। कपड़े सिलने वाला, अभी मैंने आपको बताया था, दर्जी। जो किसी से ना डरे, जो डरता है वो तो डरपोक कहलाता है, जो किसी से नहीं डरता है वो निडर। डाक बांटने वाला डाकिया, यहाँ हमने लिखा था डाक बांटने वाला। भारत का रहने वाला भारतीय, जो भारत में रहता है उसे हम भारतीय कहते हैं। जो कपड़े धोने का काम करे, धोबी। जो हमारे घरों में कपड़े धोते हैं वो कौन होते हैं? धोबी। हम ये तो नहीं कहते हैं कि ये कपड़े धो रहा है हमारे घर में, हम ये कहते हैं ना, धोबी कपड़े धो रहा है। लोहे का काम करने वाला, लोहे के बर्तन बनाने वाला, उसको हम क्या कहेंगे? लोहार। लोहार लोहे के बर्तन बनाता है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि लोहे का काम करने वाला, उसको हम लोहार, हम क्या कहेंगे? लोहार, एक शब्द प्रयोग करेंगे। जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं, जहाँ पर आपके विद्यालय में भी जहाँ पुस्तकें होती है, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं लाइब्रेरी, उसको हिंदी में कहते हैं पुस्तकालय। लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई। जो हमारे सोफे, टेबल, चेयर जो बनाता है उसे हम बढ़ई कहते हैं। सेना में काम करने वाला सैनिक। अब आपको ये सब समझ आ गया होगा कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रयोग करने से भाषा सरल और प्रभावशाली बन जाती है। थैंक